सो हे गाइस, हाउ आर यू, व्हाट्स अप, कैसे आप सब? आई होप यू आर फिट एंड फाइन. सो दिस इज जतिन, अ 15 ईयर ओल्ड 11th क्लास स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन दिस ब्यूटीफुल से चैनल जतिन्स लेक्चर. सो गाइस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट राइट नाउ इफ यू हैड नॉट डन येट, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट माय न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन. So basically, as you all know that diagram series is going on. In this series, I'm going to draw each and every diagram of class 10 science here, and means also label it. So guys, please join the Telegram group and the Facebook page. Link is also provided below in the description box, so you can visit from there. So guys, chalo start karte hain. Chaliye dekhi. ये तो हो गया अपना लेंस, दिस कॉर्निया, ये दो लेयर होते हैं यहां पर, तो ये लेयर बना दिया हमने. ये सिलेरी मसल्स, आयरिस, यहाँ पर जो होल होता है प्यूपिल, बस यही सब होता है. और क्या होता है? कुछ नहीं होता. चलो लेबल करते हैं. फर्स्ट वन जो आउटर मोस्ट है कॉर्निया, दिस आउटर मोस्ट पार्ट इज ए कॉर्निया. अब कॉर्निया से थोड़ा आगे चलते हैं, ये पार्ट जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, क्या ये यहाँ पर एक कुछ नहीं है, स्पेस एम्प्टी है बट इट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड. क्या होता है उस फ्लूइड का नाम? एक्वस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर यहां पर गाइस प्रेजेंट है. एक्वस ह्यूमर, अब एक्वस ह्यूमर का फंक्शन होता है कीपिंग द आई वेट, आई को गीला रखना. मींस आई अगर ड्राई हो जाएगी ना तो गाइस पेन होने लगेगा. कभी कभी नहीं होता, व्हेन वी मूव टू अ वेरी means area where the dust is very much, so that on that type of areas we start like rubbing our eyes because वहाँ पर dry up हो जाते हैं guys अपने eyes. So aqueous humor का काम होता है to keeping the eye wet. उसके बाद इससे आगे चलते हैं, ये आ जाता है eye lens. This is eye lens. ये eye lens guys. अब आई लेंस के अंदर जो ये होल है थ्रू विद लाइट एंटर्स इज प्यूपिल. ये भी हो गया. अब ये क्या है जो ये मसल्स दिख रही है, मींस फाइबर्स दिख रहे हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, फाइबर्स तो नहीं है वैसे, तो ये है आयरिस. आयरिस क्या होता है? आयरिस कुछ नहीं होता गाइस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लेंस को कन्वर्ज और डाइवर्स मींस दूर तक देखने के लिए कंप्रेस मींस स्ट्रेच कर देते हैं, एंड पास के देखने के लिए कंप्रेस कर देते हैं, मींस पोज साइज को ऊपर नीचे करते रहते हैं. उसके बाद ये दो प्रोटेक्शन गाइस, फर्स्ट वन स्कैलरिया, स्कैलरिया, दिस इज स्कैलरिया गाइस. सो ये स्कैलरिया है, अच्छे से लिख देता हूं. Guys, this one is a scleria. Then scleria के नीचे retina, जो कि एक स्क्रीन है जहां पर इमेज फॉर्म होती है. Now this center point is known as optic center. क्या guys ये optic center और blind spot? ये ब्लाइंड स्पॉट मतलब अंधा, अंधा यहाँ पर कुछ नहीं दिखता. यस गाइस, रियली यहाँ पर हमें जो ये ऑप्टिक नर्व्स हैं अपने यहाँ से जो जाते हैं ब्रेन तक, ये यहीं से इमर्ज होते हैं, मींस आई बॉल को यहीं से ये लीव करते हैं. सो यहाँ पर जो भी अगर राइट लाइट रेज यहाँ पर फॉल होगी तो वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, हमें इमेज ही नहीं बनेगी अगर यहाँ पर होगी तो. ये ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व होगी गाइस, जो कि इमेज जो यहाँ पर रेटिना पे मींस यहाँ पर नहीं, जो ये इस पूरी रेटिना पे कहीं पर भी फॉर्म हुई है
उसे ब्रेन तक पास आउट करते हैं, इट्स द फंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व। नाउ जो ये खाली स्पेस है अंदर, ये किससे, किसी चीज से तो फिल्ड अप होगा, ये एम्प्टी तो है नहीं, तो ये फिल्ड होता है विट्रस ह्यूमर, ये भी एक टाइप का फ्लूइड है गाइस, विट्रस ह्यूमर। किससे फिल अप होता है गाइस, ये विट्रस। अब ये विट्रस ह्यूमर क्या होता है, विट्रस ह्यूमर भी एक फ्लूइड होता है गाइस, ये शॉक अब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है, अचानक से लाइक दैट शॉक लगा, आईज मींस इफेक्ट ना हो, आईज डैमेज ना हो, तो ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये फंक्शन होता है। एंड दिस इज द स्कैलरिया, सॉरी स्कैलरिया नहीं, सिलैरी मसल्स, सिलैरी मसल्स। सो गाइस ये हो गई अपनी सिलैरी मसल्स। सो गाइस यू कैन राइट डाउन और यू कैन हैव अ स्नैपशॉट इफ यू वांट टू, फिर आगे मूव करते हैं। सो गाइस बस आगे क्या मूव करना, खत्म हो गई, यही है गाइस, मैंने मेन मेन पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, लेबल कर दिया डायग्राम, इट्स द वेरी इजी डायग्राम, यू कैन ड्रॉ इट इन योर एग्जाम एंड इट विल डेफिनेटली वर्क, यू विल गेट गुड मार्क्स डेफिनेटली। सो गाइस अगर आपको हर एक चीज़ डिटेल में पढ़नी है कि स्कैलरिया का क्या इंपॉर्टेंस होती है, फंक्शन क्या होते हैं, रेटिना की, ऑप्टिक सेंटर, ब्लाइंड स्पॉट एंड हर चीज़ की गाइस, सो I'll make a separate video for it, not separate, जो third chapter अपना the human eye and the colorful world of science, जब वो पढ़ाऊंगा guys मैं तब वो separate video बनाऊंगा, हर एक चीज़ को detail में पढ़ाऊंगा guys, you can find out my on my YouTube channel, so guys अगर video पसंद आए तो please like करना and don't forget to follow the Facebook page and the Telegram means Telegram group, or you can directly chat with me, my Instagram ID is also provided below in the description box, and follow भी कर देना guys, वहाँ पर भी मैं कभी कभी important updates देता हूँ and वो मेरी personal account है, so you can directly chat with me if you want, and guys if there is any query regarding anything please let me know in the comment section, I'll there 24 hours into 7 for you to help you out, okay bye guys.